स्वागत है आपका आकाश टी 2M चैम पे। काफी सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, रोजाना कमेंट्स आ रहे हैं। विश्व भारती का MTS का कट ऑफ किया जाएगा, LDC का कट ऑफ किया जाएगा, इनका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्या इनका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में बात करूंगा कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा और इनका कट ऑफ क्या रह सकता है। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि MTS इनमें क्या फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, LDC में क्या है कि आपकी टाइपिंग वगैरह रहेगी, MTS में आपका फाइनल सिलेक्शन ही फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। तो कितने कट ऑफ, कितना रैंक है, क्योंकि हिसाब से कितने शीट वाइज कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखें और लास्ट तक एंड तक जरूर देखें। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो LDC की बात करो 99 वैकेंसी है, जो कम वैकेंसीज है, लेकिन इसका कई गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी से आप इंग्लिश टाइपिंग तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। 35 WPM की स्पीड मांगी जाएगी। MTS के लिए कोई भी ऐसा नहीं है, MTS के लिए आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है उसमें तो आपका फाइनल सिलेक्शन MTS में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज है। अब यहाँ पे कितना जाएगा, क्योंकि इनका शिफ्ट वाइज एग्जाम चला था, शिफ्ट वाइज में रैंक आए, मार्क्स अपलोड हुए थे, तो कितने कितने क्या आए, तो सारी चीजों में बात करूंगा। यहाँ पे देखें वीडियो को। एग्जाम लेवल की बात करते हैं, एग्जाम लेवल मॉडरेट था, आप सबको पता है। मैथ थोड़ी हार्ड थी, कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, GA मॉडरेट था, लेकिन फिर भी पेपर का जो लेवल था बच्चों ने सही तरीके से पेपर किया है। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं आंसर के आने के बाद, तो कहीं ना कहीं उसके 300 में से यहाँ पे 190 UR कैटेगरी, 190, 185, 195, 210 इस प्रकार के मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये बात सच्चाई है, इस प्रकार के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ प्रमाण देने वाला हूँ जो हमने कल वोट करा, तो ज्यादा देख लेते हैं। विश्व भारती MTS में आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, जी हाँ कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे 804 वोट आए यहाँ पे, हालांकि वोट कम आए लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इस चीज को। 28% लोगों का कहना है 80 से 90 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। अगर 80 से 90 क्वेश्चन उनके सही होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपका दो नंबर का यहाँ पे अंकित है, अगर 90 क्वेश्चन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मार्क्स आपके होते हैं, और 90-100 की भी 18% है, लेकिन 110 से 120 की भी 26%। हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 26% में 110 से 120 भी होंगे, लेकिन उन्होंने तुक्के में वोट दे दिया होगा, लेकिन अधिकतर जो बिलोंग कर रहे, जो कमेंट बॉक्स में बात बताऊं तो 90 से 95 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक एवरेज से ही होता है। उसके बाद जो मार्क्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं 195 एक UR कैटेगरी में कहीं ना कहीं सेफ सिलेक्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं। अभी यहाँ पे MTS से कट ऑफ के बारे में बात, उसके बाद LDC उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो MTS का जो कट ऑफ रहेगा, कहीं ना कहीं अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, 195 प्लस अगर ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि MTS में फाइनल सिलेक्शन ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तय करेगा। अब दूसरी कट ऑफ आपकी कोई लगी ही नहीं सकती यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। OBC 190 प्लस यहाँ पे रह सकता है, EW 185, SC 175, ST 170 प्लस, जी हाँ ये कट ऑफ रहने के पूरे पूरे आसार है, क्योंकि देखो MTS में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा था। शिफ्ट वाइज अगर बात करो, जो रैंक अगर मार्क्स अपलोड हुए हैं, जो क्वेश्चन सही हुए हैं, वो भी यही थे कि 80, 85, 70, 75, 80, 85, 90, 95 इस प्रकार के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट वाइज हमें नॉमिनेशन भी जो देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा नॉमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर नॉमिनेशन से कट ऑफ बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है वो भी आपके इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आपके क्वेश्चन की अगर बात करो, अगर आपके 90 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और नॉमिनेशन अगर आपका शिफ्ट का होता है, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 210-220 के अप्रोक्स भी आपके पहुंच सकते हैं, जो कोई दोहराने की मतलब विषय चिंता क्या हो सकता है नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट डेट के बारे में, रिजल्ट कब तक आएगा। LDC कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। LDC के लिए जो मैंने क्वेश्चन से अंकित मांगे हैं, वो 95 से लेकर 100, जी हाँ अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन में अगर सही हो रहा है, तब भी आपको टाइपिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट करनी चाहिए। OBC 90 प्लस, EW 92, SC 88, ST 85 के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो सही होने की पूरी पूरी उम्मीद रह सकती है। रिजल्ट डेट के बारे में बात करें, तो रिजल्ट की अगर बात करूँ, रिजल्ट का जो पॉसिबिलिटी वो आपका अगस्त का है, जी हाँ, क्योंकि जुलाई के 3 तक आपका आपका MTS का एग्जाम चला था। अगस्त के यहाँ पे सेकंड या थर्ड वीक तक पॉसिबिलिटी कि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं NTA जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दे, क्योंकि NTA भी बहुत बिजी है, क्योंकि अभी आपका EPFO का एग्जाम भी एक तरह से कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद फिर SSA का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड या थर्ड वीक तक पॉसिबिलिटी कि आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, और जैसे कोई अपडेट आएगा नेक्स्ट वीडियो